अगर आप भी अल्ट्रा क्लाउड की मदद से फ्री में विंडोज़ VPS या फिर कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्चुअल मशीन फ्री में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से आप अल्ट्रा क्लाउड में फ्री क्रेडिट लेंगे और उसी फ्री क्रेडिट से अपना विंडोज़ RDP या फिर कोई भी वर्चुअल मशीन फ्री में कैसे बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सीखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाकर सर्च करोगे वॉल्टर। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से वॉल्टर का वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। हालांकि आपको इस स्पॉन्सर्ड लिंक में नहीं क्लिक करना है, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर करेंगे आप नीचे स्क्रॉल तो कुछ इस तरीके से आपको इस लिंक में क्लिक करना है और आप कुछ इस तरीके से walter.com का वेबसाइट में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना न्यू अकाउंट रेडी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा साइनअप। फिर आपको जिस तरीके से आ जाओगे क्रिएट पेज में, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है, इसे करोगे एग्री। आपके पास यहाँ पर टोटल 3 ऑप्शन हैं, अपना ईमेल एड्रेस और अपना कोई भी पासवर्ड सेट करके क्रिएट फ्री अकाउंट में क्लिक करोगे या फिर आप गिटहब और गूगल के थ्रू अपना अकाउंट को साइनअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ गूगल। इसके बाद आप अपने जीमेल आईडी को यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर लेंगे सेलेक्ट, फिर इसे करेंगे कंटिन्यू। इसके बाद बस आपको यहाँ पर कुछ अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तब जाकर आपका अकाउंट हो जाएंगे एक्टिवेट। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम फिल करना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर सिटी का नेम, यहाँ से अपना स्टेट को कर लेंगे सेलेक्ट। इसके बाद आप यहाँ पर अपना पोस्टल कोड टाइप करोगे यानी कि अपना पिन कोड। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है कि अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालें। हालांकि आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो अपना क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी आप यहाँ पर कार्ड डालोगे उस कार्ड से ऑटो पेमेंट सेट हो जाएगा। हो सकता है कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा काट ले, क्योंकि वॉल्टर में अक्सर ये चीज़ होते रहता है कि आपको जो फ्री में क्रेडिट मिला है वो क्रेडिट ऑटोमेटिक कर देगा रिमूव और आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक $300 या $500 ऑटोमेटिक काट लेगा। ये वॉल्टर में अक्सर होते रहता है, तो इस चीज़ के लिए आपको अपने कार्ड का लिमिट घटा के रखना है या फिर आप मुझसे वर्चुअल कार्ड बनाने का डिकोड मेथड बाय कर सकते हैं। और उस मेथड में आपको जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो को देखकर आप सीख जाओगे किस तरीके से अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड बना सकते हो और वो वर्चुअल कार्ड यहाँ पर इस्तेमाल करके अपना फ्री ट्रायल अकाउंट बना सकते हैं, फिर आप उससे अपना फ्री का VPS बना सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका अकाउंट से कोई भी पैसा ऑटोमेटिक डेबिट नहीं होगा, उस कार्ड को वन टाइम यूज़ करके रास्ते से हटा देंगे, फिर हम न्यू कार्ड को लेकर आएंगे न्यू अकाउंट बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप उस मेथड को बाय कर सकते हैं। उस मेथड को बाय करने के लिए कुछ इस तरीके से आप सर्च करोगे मेरे चैनल का नेम और आपको मिल जाएगा यहाँ पर मेरा वेबसाइट। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे और मेथड्स, फिर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ढेरों मेथड। आपको इस मेथड को बाय करना है। अगर आप इस मेथड को बाय करते हो तो आप इस मेथड से अनलिमिटेड वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में यह मेथड वर्ल्ड वाइड वर्किंग है, आप किसी भी कंट्री से हो आपके कंट्री में यह मेथड वर्क करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस मेथड को बाय कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो इसका एक्टिवेट अकाउंट भी खरीद सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अपना कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर अपना कार्ड का एक्सपायरी डेट, यहाँ पर CVV। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप चाहो तो $0 भी डिपॉजिट कर सकते हैं, इसे कर देंगे चेक मार्क और इसे करेंगे एग्री। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे लिंक क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर कहेगा आपसे कि आपको मिनिमम $5 ऐड करना ही होगा। हालांकि अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो उससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा $0 में, आपको $5 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से ये एरर आए तो फिर से आपको यहाँ पर अपना स्टेट को कर लेंगे सेलेक्ट और करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर क्लिक करोगे अदर में, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे 5 और यहाँ पर से करोगे एग्री और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक क्रेडिट कार्ड। इसके बाद आपको यहाँ पर वेट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी कार्ड डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर दोबारा इसे लिंक करने का कोशिश करोगे तो अब आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। हालांकि आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका कोई भी प्रोमो कोड अभी अप्लाइड नहीं होना चाहिए। अगर अभी अप्लाइड है तो यहाँ पर आ जाएगा दिस कार्ड इज़ नॉट एलिजिबल, इसलिए आपको इसे बाद में अप्लाई करना है। इस तरीके से एरर आने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा अपना स्टेट को करना है सेलेक्ट कुछ इस तरीके से, फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल और दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे अदर में, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे 5।
इसके बाद इसे करेंगे एग्री और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे लिंक क्रेडिट कार्ड। अब आपका अकाउंट बन जाएगा। ध्यान रहे आपके अकाउंट में $5 होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट से यहाँ पर $5 डिडक्ट होंगे। कुछ इस तरीके से आपके केस में यहाँ पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको फ्री का प्रोमो कोड लेना है, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे न्यू टैब में, फिर आप यहाँ पर सर्च करोगे वल्टर प्रोमो कोड कुछ इस तरीके से, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे सर्च रिजल्ट। आप यहाँ पर क्लिक करोगे और करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर ले लेंगे हम इस प्रोमो कोड को। अगर हम इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा $300 का फ्री क्रेडिट। उसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे अकाउंट में, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है मेक अ पेमेंट। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे गिफ्ट कोड, फिर आप यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर क्लिक करोगे अप्लाई गिफ्ट कोड। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी $300 का फ्री क्रेडिट मिल जाएगा। अब आप इसका इस्तेमाल करके फ्री में VPS बना सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर चेक कर लोगे कि आपको कितना लिमिट्स मिला है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे लिमिट्स में तो आपके केस में भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा लिमिट्स। अब आइए देखते हैं किस तरीके से आप अपना VPS क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे डिप्लॉय सर्वर। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाओगे बीटा वर्जन में। आप यहाँ पर बीटा वर्जन का इस्तेमाल करके भी अपना वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पर ओल्ड वर्जन से ही करें, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर है। फिर आप कुछ इस तरीके से आ जाओगे ओल्ड वर्जन में। इसके बाद आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे आप किस टाइप का अपना वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं, डेडिकेटेड या फिर सैड। मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ सैड। इसके बाद आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे अपना किस लोकेशन में वर्चुअल मशीन को होस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर है ऑल लोकेशन, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लोगे आपको कौन सा लोकेशन में अपना वर्चुअल मशीन को होस्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ चूज़। इसके बाद करेंगे नीचे स्क्रॉल। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम करना है सेलेक्ट। आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर लोगे सेलेक्ट। हालांकि मैं यहाँ पर विंडोज़ स्टैंडर्ड, अगर आप विंडोज़ RDE बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है विंडोज़ स्टैंडर्ड। फिर अपने हिसाब से आप यहाँ पर वर्जन को कर लेंगे सेलेक्ट। फिर इसके बाद आप यहाँ पर चूज़ कर लोगे आपको AMD का प्रोसेसर चाहिए या फिर इंटेल का चाहिए प्रोसेसर, या फिर आपको चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर यानी कि जिसका गीगाहर्ट्ज़ बहुत ही हाई हो, या फिर आपको नॉर्मल टास्क के लिए जो भी प्रोसेसर मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं वेरियंट, मैं कर लेता हूँ इसको 8GB चारकोर। फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल, इसे करेंगे ऑफ़, या आपकी मर्जी है इसको आप ऑन रख सकते हो या फिर इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहो तो IPv6 को, अगर आपको नहीं लेना है इसे कर देंगे ऑफ, अगर आपको चाहिए तो इसे कर देंगे ऑन। मुझे नहीं चाहिए इसे करते हैं ऑफ। फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल और आप यहाँ पर होस्ट नेम टाइप कर दोगे आपके वर्चुअल मशीन का क्या होगा होस्ट नेम। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, सीधा आप यहाँ पर क्लिक करोगे डिप्लॉय नाउ और आपका वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से यहाँ पर होने लगेगा डिप्लॉय। बस आपको वेट करना है 5 मिनट का, फिर कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका वर्चुअल मशीन कुछ इस तरीके से हो जाएगा डिप्लॉय। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से IP एड्रेस, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसे करेंगे हम कॉपी। इसे कनेक्ट करने के लिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को कर लेंगे ऑन। यहाँ पर अगर इसे कर देंगे पेस्ट, फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे कनेक्ट, आपसे मांगेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इसे करोगे यहाँ पर कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट। इसके बाद पासवर्ड, इसे करेंगे हम कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे भी कर देंगे हम कुछ इस तरीके से पेस्ट और यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कनेक्ट, फिर यहाँ पर इसे करेंगे यस। अब आपको यहाँ पर वेट करना है कुछ सेकंड। तो कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम आपका विंडोज़ RDP हो जाएगा कनेक्ट, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। इसे करेंगे हम कट और इसे भी कर देंगे हम कट। अब दिखाते हैं आपको इसका नेट स्पीड, उसके लिए हम यहाँ पर इस ब्राउज़र को कर लेते हैं ऑन। फिर अपने हिसाब से यहाँ पर इसका कर लोगे सेटिंग, आपको जो भी सेटिंग रखना है। और आप यहाँ पर न्यू टैब में जाकर सर्च करोगे नेट स्पीड टेस्ट और लास्ट में लगाओगे गूगल फाइबर, क्योंकि यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं गूगल फाइबर के थ्रू। यहाँ पर हमारा सही सर्च रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, न्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे google.com। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सर्च करना है नेट स्पीड टेस्ट और लास्ट में लिखोगे गूगल फाइबर। कुछ इस तरीके से करोगे सर्च तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे इसका सर्च रिजल्ट। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर करोगे नीचे स्क्रॉल, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। इसके बाद
आप यहाँ पर क्लिक करोगे गो में तो कुछ इसके दिख जाएगा इसका पिंग, इसका जिटर और इसका यहाँ पर दिख जाएगा आपको डाउनलोड स्पीड। ये बस 8GB रैम वाला है जिसका रैम है 8GB और 4 वर्चुअल CPUs है। इसी तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा इसका अपलोड स्पीड जो कि काफ़ी हाई है। तो आप जान चुके हो किस तरीके से आप वोल्टर की मदद से विंडोज़ RDP बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। साथ में आप किसी भी लोकेशन का अपने हिसाब से बना सकते हो जिस भी लोकेशन का आपको रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा कार्ड मेथड को बाय कर सकते हैं या फिर अगर आपको एक्टिवेट अकाउंट बाय करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।